गोविंद गौतम एमपी कोठी नंगल विखे 18 सितंबर तो शुरू हुई श्रीमंद भागवत कथा दे आखरी दिन हवन यज्ञ करवाया गया। कथा दे आखरी दिन अज संत सम्मेलन होया ते संता महापुरखा दे इस कुंभ विच राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी ऊना हिमाचल प्रदेश वाले विशेष तौर ते पहुंचे। उन्होंने जनता नूं अपने प्रवचना राही निहाल किता ते उत्थे ही कहा कि संत दे लड़ लग के मनुख दी बेड़ी भवसागर तो पार हो सकती है। सारा प्रोग्राम सतलुज दरिया किनारे बने प्राचीन मंदिर दे मुखी स्वामी बसंत जी महाराज दी अगवाई विच किता गया। समागम विच लुधियाना तो आए धर्म संत दयानंद जी ने कहा कि जेकर दुनिया दा माहौल खराब हो रहा है तां ओह कलयुग दी निशानी है। मापे आपे बच्चों नूं चंगे संस्कार नहीं दे पा रहे ते गुरु रचना तो दूर रखी बैठे हैं। इहो कारण है कि नवीं पीढ़ी नशे की दलदल विच भटकती जा रही है ते बच्चों विच सहनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं रही। उन्हां कहा कि गऊ सेवा सब तो वड्डी सेवा मनी जाती है। खुशी की गल है कि जिथे अज समागम होया उसी जगह खुद गऊ माता विराजमान सी ते नाल बिल्कुल सतलुज दरिया, जिस करके अज दे समागम विच सोने ते सुहागे वाली गल हुई है। उन्होंने कहा धन्नवाद नंगल शहर दे जिथे समागम तो बाद खुद इंद्रदेव ने खुश हो के तपती गर्मी च मीह पा के संगतां नूं राहत दिती। समागम तो बाद संगत नूं लंगर भी वरताया गया। आओ वेखदे हां इस समागम दीआं झलकियां। नंगल सिटी अपडेट दे उत्ते अविनाश शर्मा दे नाल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. महामंडलेश्वर स्वामी गुरविंदर जी महाराज जी जलंधर वाले, उनके आशीर्वचन लेकर नियर वाले उनका आशीर्वचन लेते हैं। बाद में श्री गुरविंदर जी, पूज्य श्री महाराज। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम दत्तमस्यादिलक्षणम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमः। आज इस पावन मंच पर समुपस्थित पूज्य बसंत जी महाराज, समस्त पूज्य संत गुरुजन और आप सभी धर्म प्राण माताएं बहने भक्तों, अत्यंत ज्वलनशील प्रसंग आप सभी के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले तो गाय की सुरक्षा, पूर्व वक्ताओं से आपने सुना प्रतिदिन हमारे देश में 1,00,000 गौवें कट जाती हैं और इन गौओं को काटने चमड़े का चीज चाहिए, चमड़े की जूते चाहिए, चमड़े का पर्स चाहिए। चमड़े की चीजें हम लोग प्रयोग जब तक करते रहेंगे हमारे देश में गौ कटती रहेगी। हमें चमड़ों की चीजों का परित्याग करना होगा, न चमड़े के जूते पहने, न चमड़ों का पर्स रखे, न चमड़ों का बेल्ट पहने, इन सारी चीजों का हम परित्याग करना प्रारंभ से सीखें। और दूसरी बात है, हमने अपने घर में गाड़ी रखना तो सीखा, गाय रखना भूल गए। गाड़ी हमारे सबके घर में है, आंगन में जगह बना करके भी हम गाड़ी रखते हैं, लेकिन गाय नहीं रख सकते। गाय घर में रखना सीखें, क्योंकि सबसे पहले एक नाम दुनिया में गूंजा, उस नाम का मतलब है गांव। एक गांव शब्द गाय से ही बना है, गांव के मुंह से जो शब्द निकला उसी से गांव की उत्पत्ति हुई है। हर गांव में पहले गाय हुआ करती थी, हमारे देश की संपत्ति ही गाय माता थी। भगवान कृष्ण के यहाँ पे 9,00,000 गौवें हैं, उन सबका देखभाल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने ही हाथों से करते हैं। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गऊ बछड़ों को चुराया, ग्वालों को चुराया, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए और गऊओं का दुग्ध पान करने लगे। अब ऐसे गऊओं का अब हमारे देश में हत्या हो रही है,
और उनके रक्त का हमारे शरीर में प्रयोग होने वाला प्रसादन की सामग्रियां भी बन करके तैयार होती है। ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। दूसरी बात है हमारे देश में कि हमने अपने घर में हथियार नहीं रखा। पहले हर राजपूत के घर में तलवार हुआ करता था, अब राजपूत के घर में चाकू भी नहीं है। आप सुनते हैं ना, हमारी हिंदू बेटियों को लोग ले जाते हैं छल करके, हाथ में कलावा बांध करके, माथे में चंदन लगा करके, हिंदू का रूप धर करके, जैसे ही रावण ने साधु का रूप लेकर के मैया सीता का हरण किया था, वैसे वो घर घर से रावण पैदा होकर के और हमारी बिटिया सीता को हरण करके ले जाते हैं। और बाप में ये कहते हैं कि मेरा अब्दुल तो बहुत अच्छा था, मेरा रेहान तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उनके शरीर के टुकड़े होते हैं 35 टुकड़े 30 टुकड़े और फ्रिज में ले जाकर के उनको रखा जाता है, तब हमें आभास होता है कि हमारी बेटी कहाँ चली गई थी, हमारी बेटी की कैसे हत्या हो गई। और हमने अपने घर में इन सारी बातों को सजग होकर के चेतना है, विचार करना है। हम सबके घर में जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सब सिखों को आदेश दिया था कि सबके घर में तलवार होना ही चाहिए, ऐसे हमारे हर व्यक्ति के घर घर में तलवार होना चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई शत्रु हमला कर बैठे तो बचने के लिए हमने क्या व्यवस्थाएं की है, अपनी सुरक्षा हम कैसे करेंगे, अपना बचाव हम कैसे करेंगे। अपना बचाव करने के लिए, अपने से ज्यादा अपनी बेटी का बचाव करने के लिए, अपनी बहुओं का बचाव करने के लिए हमें यह सारा कार्य करना ही होगा। निसंकोच करें। अगर वो अधर्मी अपने छत के ऊपर पत्थर रख कर रह सकते हैं, अपने हर घर में तलवार रख सकते हैं, जितने भी आजकल ये इनका विद्यालय चल रहा है, क्या कहते हैं उसको, मदरसे चल रहे, हर मदरसे में हथियार होता है, हर मदरसे में हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम क्यों नहीं दे सकते गुरुकुल में। एक बहुत बड़ी बात हमारे पूज्य वज्रसानंद जी महाराज ने कहा था पत्रकारों के बीच में, मेरे 12 लाख शिष्य हैं, नागा शिष्य हैं, और दशहरे के दिन हम हथियार की भी पूजा करते हैं और संतों की भी पूजा करते हैं। हथियार की भी पूजा होनी चाहिए हमारे, और हमारे प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में हथियार है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र तक आप देखिए, हर माताओं के हाथ में हथियार है, तो आज हमारे हाथ में तो चूड़ियों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। माताओं के हाथ में हर माताएं चूड़ी सोने का जरूर पहन लेंगी, लेकिन धन्य मैं कहना चाहता हूं उन माताओं को जो सिख समुदाय से जुड़ी हैं, जिनके यहाँ पे कृपाण रखा है, रखने से भी लोगों को भय उत्पन्न होता है। इसलिए अपने घर में तलवार रखना सीखें, कृपाण रखना सीखें, कोशिश करें रिवॉल्वर बंदूक भी रखना सीखें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लाइसेंस लेकर के रखें, नियम के आधार पर रखें। आप अपनी बेटी की सुरक्षा करें, गाय की सुरक्षा करें, राष्ट्र की सुरक्षा करें, देश की सुरक्षा करें, समाज की सुरक्षा करें, हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अब हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई चीर बढ़ाने के लिए कृष्ण नहीं आने वाले। अब इंतजार करो कि श्री कृष्ण आएंगे। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, श्री कृष्ण आए सभा में, अब यहाँ पे चीर हरण होगा, उसमें हम अपने बेटे को ही कृष्ण बना करके चीर हरण से रक्षा करने का कार्य हमें करवा लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, पूज्य महाराज श्री बसंत जी महाराज जी का टेलीफोन आया, कुछ क्षण के लिए ही सही आप सबको आना होगा, तो बहुत अच्छा भी लगा। और यहाँ पे रह करके गौ माता के प्रांगण में रह करके कुछ बातें सुनने सुनाने का अवसर मिला, और जहां पे संतों का दर्शन होता है वहां सुनना सुनाना सब मौन हो जाता है, क्योंकि संत और भगवंत में कोई अंतर है ही नहीं। जहां संत है वहीं वहीं भगवान का वास है, और भगवान तो अपने धाम से धरती में आते हैं, लेकिन संत तो एक एक धाम का दर्शन करके उनके चरणों में रज मंडित चरण होता है, उनके रज से निकलने वाला जो पराग होता है, उस पराग की खुशबू से पूरी धरती ही महक जाती है, पूरी धरती ही खुशबूमय हो जाती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी संत गुरुजनों को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत बहुत यस्य स्थितः सन्मुखे यस्य भ्राम्य विचामरं प्रिय सखौ वामे हि बालो स्थितः ध्यानासीनमधस्थितं
बट तरो संसिद्ध सिद्धासनम वंदेतम धृतसूत्रमालकमहं श्रीमद्गुरुं नानकम्। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मंच पर विराजमान समस्त आदरणीय महात्मा जन गुरुजन, मुझसे पूर्व जैसे सभी वक्ताओं ने विषय लिया, गौशाला में बैठे हैं, नंगल की पुण्य भूमि पर बैठे हैं, गाय के प्रति चिंतन करने के लिए, चिंता करने के लिए बैठे हैं। विषय आया, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि चमड़े से बनी वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। अखंड मंडलाकारं जापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो श्रीगुरु महाराज की जय। मंच पर बैठे हुए सभी विद्वान और यहाँ के विस्थापक सबको आत्म रूप में मेरा प्रणाम है। तो बंधु, आप 7 दिन से कथा भी हो रही है और अभी संत महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुन रहे हैं। मेरा अपना विचार है, धर्मो दृष्टि रचिता, अगर तुम धर्म को थोड़ा अपने जीवन में उतारोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और हमारा अगर चरित्र पवित्र होगा, हमारा चरित्र ठीक होगा, तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। मैं वैद्य से कह सकता हूँ, हमारा चरित्र ना ठीक होने से हमें डर लगता है। इंसान का आज चरित्र ठीक नहीं है, बहुत लोगों का ऐसे कथों के माध्यम से हम सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन घर जाकर के हम वही काम फिर करते हैं और अपने घर की मर्यादाओं को तोड़ करके जो माता पिता आपके ऐसा है और वृद्ध, उनकी आज्ञा का पालन ना करते हुए हम अपने सुखों की दौड़ में फंसे हुए होते हैं। और ये जो गौ की चर्चा हो रही है, बहुत बहुत बड़े ऐसे आश्रम भी है, लेकिन वहां देखो जाके गौ एक भी नहीं होगी। और बहुत आप लोग भी जो है, जय श्री राधे, जय गौ माता। आज मैं स्वामी श्रीधराचार्य रंगरा अंतर्राष्ट्रीय श्री रंगरा मनोज पीठ आनंदपुर साहब से यहाँ पधारा हूँ। यहाँ आज गोविंद गोधाम में नंगल में, जिसके अध्यक्ष हमारे स्वामी बसंत जी महाराज हैं, आज यह पिछले 7 दिनों से, यहाँ पिछले 1 हफ्ते से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन हो रहा था और आज संत सम्मेलन भी था और संत सम्मेलन भी गौधाम में था, जहाँ गौ माता स्वयं विराजमान है, जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ विराजमान हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि गौधाम वहाँ है जहाँ बगल में सतलुज दरिया बह रही है। तो ये है सोने पे सुहागा, एक पंथ दो काज। अगर जीवन को सुधारना है आज की पीढ़ी को, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो सांसारिक हो, भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो, तो गौ माता की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अगर कुछ पाना है तो गौ शरणागति करनी ही होगी। गौ शरणागति के अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जिससे जीव का जीवन सुधर सके और जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। बगैर गौ सेवा भगवत प्राप्ति किसी भी हालत में संभव नहीं है, चाहे आप कुछ भी करते रहें। स्वामी जी, सोशल मीडिया में कई गल्लां होती हैं, जिदा गौ माता है साढ़े तो चलो गलियां गलियां सड़कें देखने मिली है, जो विदेशों की गल करिए तो उपर हाथ फेरन के भी कितना कितने पैसे लग जाए, तरंगा ऐसा होती है थोड़ी बीमारियां जी खिंच। देखिए, विदेशों में एक अभी पिछले 4-5 सालों में एक थेरेपी विकसित हुई, जबकि उनके पास गौ माता नहीं है, बड़ी डिफरेंस है। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जिसे हम गौ माता कहते हैं वो विदेशों के पास नहीं है,
ऑस्ट्रेलिया हमसे ले गया, साहिवाल इसी पंजाब से ले गया और डेवलप किया, ब्राज़ील ने गिर ले जाकर डेवलप किया, लेकिन उनके पास अभी भी गौ माता उपलब्ध बहुत आयत नहीं है। हमारे पास हैं, उस वहाँ काउ कडलिंग के $75 से $80 पर आवर दिए जा रहे हैं और उसका नाम दिया गया काउ कडलिंग थेरेपी और दुनिया जा रही है। एक घंटे के लिए $75 मायने रखता है, $75 8 से 56 नियर अबाउट आप कह लें तो 6,000 रुपये से ऊपर एक घंटे के लिए पे कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ यही है कि वो तथाकथित गौ माता को, ऐसे गौ माता है नहीं तथाकथित काउ, इसीलिए उसको गौ माता कडलिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा काउ कडलिंग। चलिए लंबा हो जाएगा, तो ये अगर हम, और ये हमारी गौ माता है, इनका सिंपल प्रमाण देखना है तो ऑरा को कैसे इंक्रीज करती हैं। आजकल दुनिया सब इसी के पीछे भाग रही है, ऑरा ठीक हो जाए मेरा, तो ऑरा को इंक्रीज कैसे करती हैं, आप उनके सिर्फ 2-4 परिक्रमा कर लीजिए, ऑरा लगभग 19 मीटर तक इंक्रीज हो जाता है। यानी लगभग आप मान कर चलें कि अगर 4 परिक्रमा गौ माता की मैंने कर ली बगैर टच किए हुए, टच करना तो अलग है, कडलिंग करना अलग है, उसमें क्या होता होगा, आप, मैं उदाहरण एक आपको दे रहा हूँ कि सिर्फ परिक्रमा करने से 19 मीटर यानी 19 मीटर बढ़ता है, यानी 60 फुट आपके शरीर का ऑरा 60 फुट। इसका एक सिंपल सा उदाहरण कभी हमने सुना, बचपन में सब सुनते हैं, आजकल हम सुनाते हैं, अरे वशिष्ठ जी के आश्रम पर तो गाय और बकरी और शेर सब एक ठा पानी पीते थे, कारण क्या था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि उस आश्रम का ऑरा गौ माता के कारण, वहाँ कामधेनु विराजमान थी, उसके कारण उस आश्रम का ऑरा इतना हाई लेवल पर चला जाता जहाँ आने वाले हिंसक जीव भी अहिंसक बन जाते थे। और आज का एक और उदाहरण आपको दे दूँ, जहाँ गौ सेवा नहीं है वहाँ लगातार लड़ाई झगड़ा है, जहाँ गौ हत्या हो रहा है, जहाँ इवन गौ मांस भक्षण किया जा रहा है, वहाँ आप पूरा मिडिल ईस्ट देखें गौमांस भक्षी है, उसके चक्कर में दुनिया भर के गौ माता काटी जा रही हैं, बांग्लादेश में सप्लाई हो रहा है, तस्करी हो रहा है, क्योंकि गौ माता पांचों तत्वों को, 5 एलिमेंट्स ऑफ द जो हमारा है उन सबको बैलेंस करती हैं, वो चाहे आकाश तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, जल तत्व, एवरीथिंग, और गव्य से ही ये 5 बैलेंस हो सकते हैं, बाकी किसी भी चीज़ में ये पावर नहीं है कि वो पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकें। एक सिंगल पीस कोई ऐसा नहीं है ब्रह्मांड में, सिर्फ गौ माता है जो पांचों को बैलेंस करती है, साइंटिफिकली बैलेंस करती है। ये हमें अपने अगले पीढ़ी को बताना होगा, उनमें संस्कार देने होंगे, हमें उन्हें गौशाला लाना होगा, ये माँ बाप की जिम्मेवारी है, वो खुद भी आएँ गौशाला में आकर गौ सेवा करें, और जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ धन से ही नहीं मन से भी और तन से भी सेवा करें, तभी उनका जीव का कल्याण संभव है, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है, न भगवत प्राप्ति होगी न कुछ होगा। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ आज यहाँ नंगल की श्री गोविंद गोधाम गौशाला में कुछ संतों का समागम हुआ है और संतों ने, सारे धर्माचार्यों ने अनेक विषयों पर अपने विचार रखे हैं, जनता में एक जागरूकता लाई है, अवेयरनेस लाया है और यह समाज के लिए आवश्यक है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि सारे राष्ट्र में एक जागरण की आवश्यकता है। आज आप देखिए देश का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली जा रही है, हमारी बहुत सारी रेलें, यही मथुरा के पास जो है एक ड्रिलिंग हुई है, एक मालगाड़ी को उल्टा दिया गया जिसमें 23 घंटे तक ट्रैक जो है फंसा रहा, कानपुर के पास हुआ, जगह जगह जो है, और खाने पीने के सामान में, ठीक है, अनेक प्रकार के अपशिष्ट डाले जा रहे हैं, मलमूत्र डाले जा रहे हैं, थूक डाला जा रहा है, ये सब क्या है, और यह हिंदू समाज और हिंदू जो आस्था है उसको चोट पहुँचाई जा रही है। और इसलिए संतों ने इस पर बड़ी चिंता व्यक्त करी कि हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज बहुत ही एक सॉफ्ट एक सोसाइटी है, एक प्रकार का ये सनातनी देश है और न जाने कितनी आस्थाओं से जुड़ा हुआ, अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियां हैं, तो किसी प्रकार से जैसे धर्मांतरण है, धर्मांतरण हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे वर्गों को बरगला करके, अभी गाजियाबाद में कल की घटना हुई है जहां जो है 5 पादरियों ने गिरफ्तार भी हुए हैं,
पांच पादरियों ने जो है एक सनातनी परिवार को जो है बरगला करके फुसला करके जो है उनको वो जैसे हम लोग हवन यज्ञ कराते हैं ना ऐसे वो लोग भी ढोंग करते हैं जिससे जो है आप उनसे जुड़ जाएं। ठीक है, तो चाहे धर्मांतरण है गौ हत्या कौन कर रहा है, गौ हत्या तो वही लोग कर रहे हैं। इसीलिए संतों की बड़ी चिंता है इस देश में जो है, अभी तिरुपति बालाजी में जो है भगवान का जो आस्था केंद्र है न जाने लाखों श्रद्धालु जो है रोज ही जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार से जो है भगवान के भोग में अखाद्य चीज़ों को मिलाना जो है। ठीक है, तो यह संतों ने कई विषयों पर यहाँ विचार विमर्श किया है और इसके लिए जो अखिल भारतीय संत समिति है हमारे यहाँ जितने पूज्य संत बैठे हैं सभी अखिल भारतीय संत समिति के भी सदस्य हैं, तो संतों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए हैं और आगे इस पर हम कोई ठोस कदम लेंगे, ठोस निर्णय लेंगे और जिससे सरकार को अवेयरनेस किया जा सके। ठीक है, क्योंकि करना तो सरकार को होता है, हमारे संत समाज के जितने धर्माचार्य हैं वो तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि समाज जागरूक हो और अपने धर्म को अपनी संस्कृति को और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी हमें कुछ उपहार देना है, कुछ उसको भेंट देना है, तो इसीलिए कहीं हमारी संस्कृति डावाडोल न हो जाए। अभी आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में जो है हमारे हिंदुओं का इस्तीफा लिया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है कहीं भी हैं। ठीक है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक इतना जो है यानी खतरे में है कि भाग रहे हैं लोग। ठीक है, जबकि भारत ने जो है बांग्लादेश की संरक्षा करी। ठीक है, भारत ने ही बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने के लिए अपने क्रेडिट को भी दांव पर लगाया, लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं सनातनी लोग हैं उनके लिए खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान से हिंदू ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, कश्मीर में आप देखिए ये देश में संविधान भी था, हाई सुप्रीम कोर्ट भी था, सारा सिस्टम था, लेकिन हम जो है लाखों कश्मीरियों को जो है कश्मीर में नहीं रोक पाए, वहाँ से उनका पलायन हुआ, उनकी हत्या हुई और क्या क्या नहीं हुआ उसको तो अब छोटे से टाइम में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो सारे देश में ये सब चिंता का विषय है, क्योंकि केवल आर्मी जो है आर्मी बॉर्डर पर रक्षा कर सकती है, लेकिन जो घरेलू चीज़ें हैं जो इंटरनल समाज में घटनाएं घट रही हैं उसका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है, और इसलिए हम दबाव डालेंगे सरकारों के प्रति कि इसकी चिंता केवल जो है आलू प्याज टमाटर ही नहीं देश चलाने का काम होता है, देश की संस्कृति उसकी सभ्यता उसकी जो है उसका जो सभ्याचार है ठीक है उसकी भी रक्षा करने के लिए सरकार को तत्पर होना चाहिए और इस पर सरकारें उदासीन हैं ये चिंता का विषय। हाँ जी बोलो। गौ माता की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज इस नंगल दे विच बसंत जी महाराज ब्रह्मचारी जी उन्हां दे उपराले दा सदका इस गोविंद गौधाम दे विच सत दिन लगातार भागवत कथा हुई, उपरंत अज संत समागम संत सम्मेलन होया है जिस दे वे सारे महापुरखां ने आपो अपने प्रवचनां द्वारा गौ सेवा गौ रक्षा इस दे बाबत सारिआं ने अपने अपने विचार दित्ते, भंडारे होए, सारिआं संगतां ने संतां दे प्रवचन सुने। सत साहे। स्वामी जी की कहना चाहोगे, जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो नशरी दलदा च फसदी जा रही, जिहड़े लोग है उन्हां तों सहन शक्ति माड़ी वी नहीं रही, मतलब जो जिस रस्ते वो जाना चाहते वो शॉर्टकट अपना के जाना चाहते, मतलब पिछे अपनी जी संस्कृति है उन्होंने भुलते ही जा रहे लगातार, किदां देखते हो समाज नूं अज दे समें च? संस्कृति नूं इसे करके भुलते जा रहे हैं क्योंकि माँ प्यो उन्होंने च संस्कार नहीं पा रहे धर्म के, जे गुरु धामां ते लैके जाणगे साधु महापुरखों को लैके जाणगे उन्होंने प्रवचन सुनाउणगे आप मनणगे तो बच्चे भी मनणगे, इस करके जदों आप भी जाना घटाता तो बच्चों कोई संस्कार ही नहीं मिलिया तो बच्चों के तो जो देखणगे फिर उही संस्कार पैने हैं ना। हर एक बंदा आपका सुख चाहता है पर किसी को यह नहीं पता सुख है कितने, सुख तो साधु महात्मा की संगत करके अपने आचरण ठीक रख के, जो आचरण ठीक हो तो शरीर भी ठीक होगा, शरीर के बीमारियां पैदा ने तो भी सानू चिड़चिड़ापन होना, इस करके साधुओं की संगत करके साधुओं के विचार सुन के उस अनुसार अपने जीवन में जे चलावे तो फिर ऐटोमैटिक शांति हो जानी है।
ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਤਾਰੀਖ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਭਾਗਵਤ ਸਪਤਾਹ ਕਾ ਰਹਾ ਜਿਸਮੇ ਆਚਾਰਿਆ ਤਰੁਣਾਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਸਭੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾ ਸਭੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭੀ ਕੋ ਜਿਤਨੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਸਭੀ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਸੰਤੋਂ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਸਭੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਆਹਵਾਨ ਪਰ ਬੁਲਾਣੇ ਪਰ ਸਭੀ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੀ ਧਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਭਾਗ੍ਯ ਹੈ ਪਿਤਰਪਕਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬਾਤ ਚਲਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤੋਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਤੋ ਹਮ ਗਣਤੇ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਮੇ ਹਿੰਦੂਓ ਮੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋ ਯੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਸਭੀ ਉਸਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਉਨਕੋ ਹਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੇਂ ਗਿਣੇਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸੈਂਕੜੋ ਏਕੜੋ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਬੇ ਮਤਲਬ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੇ ਬਾਤ ਪਰ ਸਾਥ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਮੇਂ ਸਮਿਲਿਤ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਗਿਣਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਯੇ ਇੱਕ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਹਮਕੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਅਬ ਅਯੋਧਿਆ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਆ ਤੋ ਉਸਮੇਂ ਵੀ ਅਨੇਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਆਜ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮੇਂ ਜੋ ਅੜਚਨ ਰਹੀ ਤੋ ਵੋ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਅੜਚਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੋ ਸੰਖਿਆ ਬੜਾਏ ਤੋ ਇਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਅਗ੍ਰਣ ਰੂਪ ਸੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਉਦਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਰਮਾਂਤਰਣ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਅਗਰ ਧਰਮ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾ ਰਹੇ ਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਕਾਰਯ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਇਸ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੈ ਪਰ ਅਬ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਸੇ ਲੈ ਕਰ ਅਬ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਯੁਗ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਤਾ ਰਹਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ
राज सत्ता पर जो है धर्म सत्ता का बर्दस्त रहा है। सभी भगवान राम हों, चाहे वो सूर्यवंश हों, चाहे चंद्रवंश हो, जितने भी राजे महाराजे हो, उनके राजगुरु के रूप में कोई संत जो हैं उनकी रहे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए। तो इसलिए सत्ता जब तक संतों के सानिध्य में, संतों के मार्गदर्शन में चलता रहेगा तो धर्म की स्थापना होगी। बाकी यही सभी संत प्रयास कर रहे हैं। तो उपस्थित आज सभी संतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के कार्यक्रम जो है संपूर्ण, ये 8 दिन का कार्यक्रम बहुत मंगल कुशल से संपन्न हुआ है। और सभी गौ माता की सेवा, और जैसे कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इसलिए सभी संतों के माध्यम से जो है ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है, सदमार्ग में चलने का, किसी भी संस्कार संस्कृति का, जैसे मुझे हमारे स्वामी जी ने बताया। तो वो वही वाली बात है कि हम संतों के सानिध्य में, अब हमारे माता पिताओं में संस्कार नहीं है, संतों के सानिध्य में। अब मैंने बार बार यहाँ आग्रह किया हूँ, कई बार आप सब चैनल के माध्यम से, कि जो भी उत्सव करते हैं गौशाला में उत्सव मनाएं। हम गौशाला में नहीं आते तो हमारे बच्चे नहीं आएंगे, संतों के सत्संग में बैठते नहीं। अभी 7 दिन की जो भागवत कथा चली, तो माताओं की संख्या जो है, पुरुष वर्ग ऐसे लगता है कि जैसे हम सब कुछ, मतलब जो है अब घंटा आधा घंटा बैठने के लिए अब व्यस्त हैं, तो जीवन में तो कभी फुर्सत मिलता नहीं है। जब तक जिंदगानी है तब तो फुर्सत नहीं काम से, ऐसा समय निकाल लो, प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। तो प्रभु से प्रेम करते रहें, संतों की सानिध्य प्राप्त करते रहें। इन शब्दों के साथ सबको जय श्री राम, जय श्री।